हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त कंपनी यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने Q1 के नंबर पेश कर दिए हैं। नंबर दोस्तों, लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। यहाँ पर अनुमान था दोस्तों, मार्केट को भी अनुमान था नंबर बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दी लो बेस इफेक्ट प्रीवियस ईयर। यहाँ पर देखेंगे तो नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं और उसकी वजह से आप देखिए स्टॉक प्राइस में आज हमको शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज ही नहीं दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो हमको एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। तो कैसे रहे हैं नंबर दोस्तों, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको क्यों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके पीछे के रीजंस एंड यहाँ पर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है इस बिज़नेस मॉडल के पीछे, वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर क्या जो है कह सकते हैं कि आप एक थ्रेट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे फ्रेश बाइंग लेवल भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ओवरऑल दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइटफुल होगा आपके लिए, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है एंड इट इज़ 1.5 रुपीज़ पर शेयर। तो जी हाँ दोस्तों, 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है, फाइनल डिविडेंड है जो कि यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अप्रूवल के बाद मिलता है, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है। तो ये हमको मिलने वाला है यहाँ पर क्या डिविडेंड। तो ये अगर करंट मार्केट प्राइस पर बात करें तो करीब करीब पॉइंट अगर 440 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है तो आप करीब करीब मान के चलिए 0.30% या 35%, 0.35% या 0.30% के आसपास निकल के सामने आता है, जो कि बहुत ही कम है। डेफिनेटली डिविडेंड यील्ड कंपनी की कम है, लेकिन दोस्तों जो ग्रोथ है कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हमको ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है ना कि डिविडेंड में। डिविडेंड तो एक एड ऑन बेनिफिट है, रिवॉर्ड है जो हमको मिलता ही रहेगा, तो हमको ग्रोथ पे फोकस करना है। ग्रोथ ज़बरदस्त छुपी हुई है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। चलिए नंबर पे फोकस करते हैं, कैसे रहे हैं नंबर। तो आप देख सकते हैं स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, इसके स्टैंड अलोन नंबर्स ही हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम पावर एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया है वो देखेंगे। हालांकि इसका एक गैस एक्सचेंज भी है, वो अभी लिस्टेड नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ पावर एक्सचेंज की कि इसने स्पेसिफिकली कैसा परफॉर्म किया। हालांकि गैस एक्सचेंज के नंबर पिछले साल जून क्वार्टर के मुकाबले अच्छे नहीं रहे हैं, होते तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर और भी अच्छे नंबर हो सकते थे। लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये रुपीज़ इन लैक्स है, तो मैं करोड़ में बात करें तो देखिए 66 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के, मतलब कि टॉप लाइन देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। 66 करोड़ से 90 करोड़ तक यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली, करीब 35% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगेन बॉटम लाइन की बात करें अगेन, तो आप देखिए 42 करोड़ का जो प्रॉफिट है बढ़ के हो चुका 63 करोड़, तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त ग्रोथ है। एंड EPS आप देखिए 1.44 रुपीज़ से बढ़ के 2.13 हो चुका है। अगर यहाँ पर देखिए मार्च एंडेड तक था 7.15 था, तो इसका भी अब कैलकुलेशन करेंगे क्या यहाँ पर PE पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए अगर आप देखें EPS, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सारी मैट्रिक पे यहाँ पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिला है पावर एक्सचेंज को, और इसी की वजह से आज स्टॉक प्राइस में कई दिन से हमको एक अच्छी बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया क्यों यहाँ पर हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो सिर्फ एक ही दोस्तों एस्पेक्ट आपके सामने यहाँ पर मैं रखूँगा, और इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, हमारी प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको दोस्तों IEX का वीडियो मिल जाएगा। इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो दोस्तों, आपको अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं अभी तक नहीं पता है बिजनेस मॉडल या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इट इज़ अ मस्ट वॉच, जरूर जाके प्लेलिस्ट में इसको वॉच आउट जो है चेकआउट कीजिएगा। अब एक ही एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखूंगा जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं पावर जो ट्रेडिंग है इंडिया में उसका मार्केट बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, अराउंड 6% का। और वहीं आप देखेंगे डेवलप्ड इकोनॉमीज में, देखें इकोनॉमीज में 91%, 49, 47, आप देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा डिफरेंस है इधर, मतलब कि एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंडिया, और ये पेनिट्रेशन लगातार दोस्तों बढ़ता रहेगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पर ग्रोथ हमेशा आती देखने को मिलेगी। और IEX दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी एक 95% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, ऑलरेडी एक मोनोपोली है। और आपने अभी न्यूज़ पढ़ी होगी एक हफ्ते पहले की आई थिंक, तो वॉल्यूम जो है जून मंथ का IEX में दोस्तों 3-fold जंप हुआ है, 3-fold ग्रोथ देखने को मिली है वॉल्यूम्स में। और ये मल्टीफोल्ड जंप दोस्तों आपको कई डेकेड्स तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पावर सेक्टर काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ कि देखिए कितना अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो IEX में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी निकल के आता है, कई लोग पूछते हैं कि इसका जो है थ्रेट जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नया पावर एक्सचेंज लिस्ट होने वाला है। डेफिनेटली नया पावर एक्सचेंज ऑपरेशंस में हमको बहुत जल्द आता हुआ देखने को मिलेगा। नाम मैं आपको बता देता हूँ, प्रण ऊर्जा, और ये एक कंसोर्टियम है, प्रण ऊर्जा सोल्यूशंस कंसोर्टियम है बिटवीन BSE, ठीक है, BSE एंड ICICI एंड PTC इंडिया, और आई थिंक इसमें जिंदल पावर भी इन्वेस्टेड है। तो अच्छा जो है कंसोर्टियम है, डेफिनेटली थ्रेट है, लेकिन इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतना बड़ा थ्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों
इसमें ऑलरेडी मार्केट शेयर इसने ले रखा है, साथ ही साथ जो इसके मैं बात करूँ तो 44 मतलब 4400 प्लस से ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिस्कॉम्स रजिस्टर्ड हैं एंड पावर मैन्युफैक्चरर्स इसमें रजिस्टर्ड हैं। तो होगा क्या, देखिए प्रण ऊर्जा यहाँ पर लिस्ट होगा तो डेफिनेटली हो सकता है थोड़े बहुत यहाँ पर भी रजिस्टर हो जाए, कोई उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मार्केट शेयर मेजरली इसके पास ही रहने वाला है, IEX के पास। ठीक है, ये है प्रण ऊर्जा, ये है IEX, तो इसके पास मेजर मार्केट शेयर रहने वाला है। क्योंकि होता क्या देखिए दोस्तों, जब आपके पास एक ऑलरेडी डेटाबेस रहता है कस्टमर्स का, तो वहां पर स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका काफी इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर अगर पहले से ही कस्टमर बेस बना हुआ है तो ट्रेडिंग तो भैया यही होगी ना। मान लीजिए BSE है, ठीक है, BSE में क्यों लाख लोग ट्रेडिंग नहीं करते ज्यादा, क्यों NSE में करते हैं? क्योंकि NSE में वॉल्यूम्स हैं, NSE में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर एक एज प्रोवाइड करते हैं NSE को। वैसे ही IEX में जबरदस्त वॉल्यूम है, यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर्स का डेटाबेस क्रिएटेड है, साथ ही साथ इसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और वॉल्यूम जनरेट होता है तो रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड यहाँ पर कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करने वाले हैं जो कि डेफिनेटली एक एज प्रोवाइड कराएंगे IEX को। अभी 95% का मार्केट शेयर हो सकता है भैया, चलिए मान लीजिए 80% हो गया, बाकी ये ले गया है ना, तो यहाँ पर इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा मुझे दोस्तों यहाँ पर जो मेरी एनालिसिस मेरी रिसर्च कहती है। तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं, IEX में बिंदास आप इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। IEX का ऑलरेडी मैं पूरा एनालिसिस बता चुका हूँ, आप ज़रूर जाके उसको देख सकते हैं। तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट मैं बताऊंगा, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं भैया, यहाँ पर क्या फ्रेश बाइंग लेवल्स हैं। तो काफ़ी रनअप हो चुका है दोस्तों, आपको मैं इसको करीब 330 के लेवल पर भी मैंने रिकमेंड किया था, आपको मैंने 370 के लेवल पर भी रिकमेंड किया था, और आप देख लीजिए आज 445 के लेवल पे है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अगर आप बात करें स्टॉक का PE 62 का है, इंडस्ट्री का PE 28 का है, लेकिन जैसे आपने देखा अभी इसका जो EPS है करीब आई थिंक 2 to 2.5 पैसा बढ़ा है, यहाँ पर 2.50 पैसा रुपीज़, ठीक है, 2.5 रुपये के आसपास बढ़ा है। तो अगर आप साथ में इसको ऐड करते हैं तो 9 या 9.5 के आसपास आता है, तो 9.5 को आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो करीब जो इसका PE निकल के आएगा 45 के रेंज में निकल के आएगा। तो आप समझ सकते हैं PE थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, अब हो जाएगा मतलब कल के दिन में। तो उस हिसाब से आप देखें तो अभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों ज़्यादा महंगा है ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो हिस्टोरिकल PE है अराउंड 30 to 35 के आसपास चलता है, और अगर 40 पे आपको 45 पे ये मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इतना तो प्राइस आपको देना ही पड़ेगा भैया, अच्छा माल खरीद रहे हैं थोड़ा महंगा तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आप माल भी अच्छा चाहिए और सस्ता भी मिलेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अभी भी आप मेरे ख्याल से यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और अगर ये करेक्ट होता है किसी भी रीज़न से तो करीब आपको ये मिलेगा 400 के लेवल पर, तो वहाँ पर भी आप इसको और एक्यूमुलेट कीजिए और एवरेज कीजिए, जितना करेक्ट होए और इसको एवरेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त मोनोपोली है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, ज़बरदस्त फंडामेंटल्स है, लगातार आपको वॉल्यूम्स पावर ट्रेडिंग में बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे भविष्य में। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म स्टोरी है, आप इसको ऐसा प्ले मत कीजिए कि 1 साल 2 साल 3 साल की, ये डेकेड डेकेड स्टोरी है, आप ये मान के चलिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके रिगार्डिंग। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कमेंट है जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।